दोस्तों, अगर आप YouTube बनाते हैं, सबसे पहले हेलो दोस्तों, अगर आप YouTube बनाते हैं तो आप पास ट्राईपॉड स्टैंड होने चाहिए, क्योंकि बिना ट्राईपॉड स्टैंड काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप कैमरा हाथ में पकड़े रहते हैं तो बार बार वो हिलता रहता है, और जिससे आपकी वीडियो सही नहीं आती। और उसके बाद जब आप वीडियो अपलोड करने लगते हैं उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम रहती है। और इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फोटोन ट्राईपॉड स्टैंड के बारे में मैंने बताया था आपसे, और उसका मैंने बताया था कि उसमें क्या क्या फ़ीचर्स है, कैसे उसको यूज़ करते हैं। और अभी जिस स्टैंड पे ये मेरा कैनन 200D फिक्स है, वो कैनन 200D ही है। और अभी आपने देखा मैंने स्क्रीन को ठीक किया। क्यों ठीक किया? क्योंकि कैनन 200D में ऑप्शन है, उसकी स्क्रीन जो है वो पूरी, वो मतलब उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन है कि वो पूरी फ्लैप में है। आप उसको जो है रोटेट कर सकते हैं ओपन करके। देखिए, कैमरे का लेंस भी इधर है और स्क्रीन भी इधर। मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप YouTube वीडियो बनाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप पास कैमरा हो जिसमें आप स्क्रीन भी देख लें। और साथ में ये देखिए, मैंने इसमें ऑडियो भी लगा रखा है, और ये देखिए मैंने ऑडियो का माइक यहाँ पे माउंट कर रखा है, फिक्स कर रखा है, जिसे क्योंकि काफ़ी लोगों का, आप लोगों की ये दिक्कत क्या, सभी को ये था कि आवाज़ साउंड आपका साफ़ नहीं आती, आवाज़ क्लियर नहीं आता। तो मैंने उस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि जाहिर है जब आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मेरा टारगेट पूरा किया आप लोगों ने, तो अब मैं जो आगे बनाऊँ उस चीज़ को ध्यान रखूँ कि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी मिल सके। और अच्छी क्वालिटी के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आप पास अच्छा कैमरा हो, माइक हो, और उसके अलावा आप पास स्टैंड वगैरह हो। क्योंकि स्टैंड नहीं होगा तो आपका, आप हाथ से बनाएंगे, आपका हाथ हिलता रहेगा और आपकी वीडियो जो है शेक होती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको दूर करने के लिए मैंने कुछ कोशिश किया है। और आपके सामने देखिए, उस जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई दोस्तों, वो ट्राईपॉड स्टैंड की थी, जिसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, ये अप्रॉक्स 599 अप्रॉक्स 600 का था ये, और मैं इसको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मिला था। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो मैंने ट्राईपॉड पे रखा था, अब मैंने देखिए फोटोन पे रखा हुआ है। तो देखिए, ये कैमरा भी ऊंचा हो गया, थोड़ी डिस्टेंस हो गई, कैमरा का लेंस दूर है, थोड़ा सा वाइड एरिया ले रहा है। और देखिए, बहुत आराम से मैं बैठ के इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखा सकता हूँ। मतलब देखिए फर्क कितना है, एक मिनी ट्राईपॉड जिसको आप, ये इसलिए होता है कि आप कैमरे को लगा के आपकी ग्रिप जैसे कैमरे पे छूट सकती है, कैमरा गिर सकता है, तो आप अगर ट्राईपॉड में लगा पकड़ेंगे तो आपका कैमरा सेफ होगा और आप उसको अच्छे से पकड़ के रखेंगे। ये आउटडोर में ज़्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन आप अगर इंडोर में हैं तो आपको ऐसा स्टैंड रखना होगा जिससे कि कम से कम ये रहे कि आपको ये प्रॉब्लम ना आ जाए कि आपकी वीडियो में कुछ सही से दिखाई ना दे लोगों को। अब इसमें देखिए, जैसे बार बार चेहरा कट रहा है तो ये मुझको दिख रहा है। देखिए, मैंने उठा के ये सही कर दिया, और कैमरा तिरछा हो रहा है तो देखिए मैंने उसको भी उठा के सही कर दिया, और मेरा ख्याल से कैमरा एकदम सीधा हो गया। तो ये सारे फ़ायदे हैं आपको कैनन 200D के। और उसके अलावा जो फोटोन, जो मैंने दोनों टाटा क्लिक से लिया है, मैंने आपको पूरा वीडियो लास्ट वीडियो में बताया कैसे मैंने इसको लिया और मुझको क्या कैशबैक मिला। मैंने उसमें बहुत थोड़े पैसे मिला के फोटोन स्टैंड भी ले लिया। मतलब ये है कि आप अगर आप न्यू यूट्यूब में हैं, जाहिर है आपकी कोई अर्निंग नहीं है या कोई और बिजनेस से है, तो आप उसको अगर इधर इतना नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहते, आप सोच रहे हैं इसी में से जो आएगा आगे देखा जाएगा, या आप स्टूडेंट हैं फिर भी यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पास कुछ है बताने के लिए, तो ये सब बहुत ही सस्ते ऑप्शन हैं। आपको पास अगर 40-50 हज़ार रुपये हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे कम पे कुछ होगा नहीं। बाकी मोबाइल में मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी दिखाऊँगा, तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा। ठीक है, आज का हमारा पॉइंट ये है कि जो मैंने आपको बताया, देखिए इसमें गियर लीवर दिया हुआ, देखिए मैं उसी को पकड़ के कैमरे को आराम से देखिए सेट कर ले रहा हूँ। देखिए आपके सामने है, देखिए मुझको इस पर फोकस करना था। देखिए मुझे इस टाइम ट्राईपॉड पे करना है, देखिए कैनन 200D में ये ऑप्शन है। देखिए मैं ट्राईपॉड मैंने क्लिक किया तो ये पूरा जो है इसका पॉइंट ट्राईपॉड पे आ गया। इसमें तो एक ये हमें मिला है, अमेजोन ने भेजा है ट्राईपॉड स्टैंड मिला है, दूसरा ये हमें मोबाइल होल्डर मिला हुआ है। मोबाइल होल्डर आप जान रहे हैं क्या है, इसका इसमें अटैचमेंट भी दिया हुआ है, इसको लगा के हम इसको ट्राईपॉड में अटैच कर सकते हैं। जो मेन पर्पज़ था मुझे इसको मंगाने का, वो ट्राईपॉड स्टैंड का था। देखिए ये है जिस पे मैंने लास्ट एक, मैं इस पे रख के मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया है, लास्ट वीडियो पूरा इसी ट्राईपॉड पे ही बना है, कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, आप इस पे माउंट करके अपना मोबाइल भी लगा सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तो वही है कि अगर आप मोबाइल भी लगा रहे हैं, वो आपका हाथ हिल रहा है, तो आप भी जान, देखिए इसको आप कैसे भी करके लगा सकते हैं। देखिए ये हर तरह से देखिए आराम से रख जाता है, ये देखिए आपके मोबाइल को सीधा रखेगा।
आप इसको जिस तरह से आप चाहें देखिए, आप इसको रख के आप अपनी वीडियो में जैसे जो मतलब दिखाना चाह रहा हूँ आप देखिए, देख रहे हैं आप इसको इस तरह से राउंड भी कर सकते हैं। ये देखिए इससे क्या होगा, थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं गिरने के। देख रहे हैं आप इसको जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं। इसका नाम ही है गोरिल्ला फ्लेक्सिबल ट्राईपॉड स्टैंड, मिनी ट्राईपॉड स्टैंड। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी मैं आपको इसका मोबाइल का दिखाता हूँ। देखिए इन्होंने चलिए अटैचमेंट जब कैमरा लगाएंगे तब होगा, वैसे उस कैमरे में साथ में दिया हुआ है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए आपके सामने ये है, आप अगर मोबाइल से बना रहे, देखिए मैं अभी मोबाइल से वीडियो बना भी रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे डिफरेंस भी आपको दिखाना है कि DSLR में क्या होता है। अब देखिए ये फिक्स हो गया। उसके बाद देखिए मैंने मोबाइल जो अभी तक मैं जिस में लगाया करता था वो ये स्टैंड था। इस स्टैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ। अब देखिए मैं इसको इस स्टैंड पे लगा के, ये देखिए आपके सामने है। देखिए अब ये मोबाइल को इसने माउंट कर लिया। मैं बहुत आराम से इसको लेके मोबाइल को और माइक को जोड़ के मैं अपनी वीडियोस आराम से देखिए बना सकता हूँ। देखिए बिल्कुल गिरेगा नहीं, देखिए बहुत अच्छे से इसने पकड़ लिया है और देखिए आपके सामने है। देखिए तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको रखनी होगी अगर आप वीडियोस बनाते हैं। एक तो आप पास एक बड़ा ट्राईपॉड स्टैंड हो और एक छोटा ट्राईपॉड स्टैंड हो, जो कि ज़रूरत जैसी ज़रूरत हो आपको वैसा करना होगा। ठीक है, ये मेरा पहला स्टैंड है जो कि इसमें ऐसा स्टैंड नहीं, इसको मुझे फिक्स करना होता था, इसमें क्लिप पे है, पर ये ऐसा है इसको मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, पत्थरों पे, सर्किल, रेक्टेंगल, जैसा भी मतलब जगह हो मैं इसको उस पर आराम से, देख रहे हैं फ्लेक्सिबल है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से मैं इसको आराम से फिक्स कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत महंगा भी नहीं है, 600 के आसपास में ये मुझको मिला है, जिसमें मैं मोबाइल को भी आराम से होल्ड कर सकता हूँ और ज़रूरत पड़ी तो कैनन 200 को भी। बाकी अगर घर पे मैं शूट कर रहा हूँ तो कैनन 200D को मैं फोर्ट्रॉन फिर लगा के इस टाइम मैं शूट कर रहा हूँ। आप भी देख रहे होंगे मुझको स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं फ़ौरन सही कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है। अब ऐसा नहीं होगा कि मुझे 10-15 मिनट वीडियो बनाने के बाद फिर मैं देखूंगा तो अरे ये क्या होगा, फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी। मुझे सब कुछ दिख रहा है इस टाइम मैं क्या बना रहा हूँ, मेरा फेस नहीं आ रहा, ठीक है ये देखिए मैं, मुझे सब कुछ दिख रहा है इस टाइम स्क्रीन में और ऑडियो भी जा रही, नो डाउट ऑडियो भी बहुत अच्छी आएगी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों प्रोडक्ट का मैंने आपको एक सैम्पल बना के, एक अनबॉक्सिंग बना के दिया। अगर आप सस्ते में और YouTube स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये एक ऑप्शन आप अपना सकते हैं। अभी आप पास अगर कैमरा नहीं है DSLR, तो आपने मोबाइल के लिए भी गोरिल्ला प्लस मोबाइल होल्डर ये मंगा के आप अपनी वीडियोज़ बना सकते हैं। देखिए कितनी आराम से, बहुत आराम से, देखिए आप किधर भी चले जाइए, देखिए आपके सामने है, आप अपनी वीडियोज़ बहुत आराम से बना सकते हैं। देखिए और ज़्यादा कुछ शेक नहीं होगा, आराम से स्टैंड को कहीं पे फिक्स कर दीजिए और आप आराम से बोल सकते हैं अपनी बात को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों स्टैंड जो मैंने आपको बताया अनबॉक्सिंग की, आपको इस पर काफ़ी हद तक दोनों चीज़ों पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।